हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन अपनी गाड़ी में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, वो ये है जो ये लाइट है ना, ये क्या येलो कलर की है, तो आज अपन इसको व्हाइट में बदलने वाले हैं। बहुत से लोगों का क्या मन होता है इसको व्हाइट में करने का, तो आज अपने पास ये आ चुकी है व्हाइट लाइट जो मैंने अमेजोन से परचेज की है। 135 की पड़ी है मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप भी जाके परचेज करना। तो चलिए अपन इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर देखते हैं, फिर इसको लगा के देखते हैं कैसे कैसी लुकिंग आती है। तो गाइज ये रही अपनी वो लाइट, फटाफट से अपन इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अपन जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली वो लाइट है, तो अपन इसको फटाफट से इधर लगाते हैं और देखते हैं इसकी कैसी लुकिंग आती है। लाइट दिखने में तो अच्छी लग रही है, ये लाइट है तो बहुत छोटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी उंगली की वजह से देख सकते हैं कैसी लाइट है। ये तो लाइट बहुत छोटी है, तो फटाफट से अपन इसको लगाते हैं और देखते हैं कैसी लुकिंग आती है। तो गाइस लाइट लगाने से पहले अपना मेन टास्क है इसको खोलना। इसको खोलना बहुत मुश्किल है। अपन इसको खोलने के लिए सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे ये पिन। ये पिन अपन को आराम से अपने घर पे मिल जाती है, इसको कुछ नहीं करना है, इधर डालना है और इसको ऐसे ऊपर करना है, फिर इस तरह से भी डाल के इसे ऊपर कर देना। ये अब खुल चुका है, ये खुल गया है। अब फिर अपन को ये बल्ब निकालना है। इस बल्ब को निकालने के लिए पकड़ के ये बल्ब भी बाहर आ चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है, गर्म हो रहा है अभी। फटाफट से रख देते हैं और अपनी ये लाइट लगा देते हैं। अब ये पहले अपन को लाइट लगाने के लिए प्लस माइनस का ध्यान रखना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे इसको टच करके चेक करेंगे, नहीं चल रही है, फिर इधर उल्टा घुमाएंगे, ये चल रही है, तो अपन को अभी इस तरह से फिट करना है। ये तो ये अपनी लाइट लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग। इसमें 16 LEDs है, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रही है। तो अपन मैं आपको इसका नाइट ट्यूर भी दे दूंगा, नाइट में इसका कितना उजाला रहता है और उसका कितना उजाला देता है। तो चलिए अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।